सिंगापुर से मलेशिया जा रहे हैं। फाइनली मलेशिया हूँ मैं एंटर हो गया। तो वर्ल्ड के जिन्हें भी एयरपोर्ट है इस कार्ड के राही मैं फ्री खा पी सकता। 2 तो 3 मिनट के मेरी इमीग्रेशन क्लीयर हो गई। ये वाली सिम रूम के इन्होंने वॉशविजन बनाया हुआ। जिदा कि तुसी देख लिया मैं पैकिंग कर ली आ। तो इस पैकिंग च माता ने मेरी हेल्प की आ, मेरी दादी अम्मा। माता किदा जो मर्जी कह दो। कितने चला मैं पता है नहीं, तुहानू पता नहीं मैं कितने जाना। होर कितने है नहीं पता नहीं तुहानू होर कितने जाना। मलेशिया पहलो जाना मलेशिया। तो हुण रेडी हो जाइए। तुहानू पता तो लग गया होना कि हुण मैं सिंगापुर ते मलेशिया जा रहा। पहलो मेरा टूर है मलेशिया का, तो मलेशिया तो बाद मैं जाऊँगा सिंगापुर। जिदा भी जर्नी रही जो मेरा एक्सपीरियंस आ सारा तुहाडे नाल शेयर करूँगा। हुण हो गया मैं रेडी। तो हुण असीं तुरन लगे हाँ पंजाब के वह शहर जो बहुत ही खूबसूरत शहर अमृतसर। उतों मेरी फ्लाइट आ मलेशिया की। चल मरकस आया चलीए, टाइम हो गया। ये भरा छोटा मेरा ये छड्डन जा रहा मैनू। चल चलिए फिर। चलो चलो रेडी। ओके ओके चलो समान रेडी चक फिर समान। ट्रक चलिए हम आप चले भाई छड्डन एयरपोर्ट ड्रॉप कर चले हम। इंडिया का व्यू जा रहे अमृतसर। मैं हुण पहुँच गया वहाँ अमृतसर एयरपोर्ट। तो हुण टाइम होया वा 7:30। तो मेरी फ्लाइट हैगी इतों 10:30 बजे की मरिंडो की। सो मैं हुण बोर्डिंग पास लैके इमीग्रेशन करा के एंड सिक्योरिटी चेक करा के फिर मैं तुहानू दस दवा जो प्रोसैस रहा। सो बने रहो इस वीडियो अगे। तो सारा कुछ हुण हो गया मेरा क्लीयर। तो हुण पहलो मैं लॉन्च असैस करूँगा। तो उत्थे बैठ के तुहाडे नाल मैं सारी गल शेयर करूँगा जिदा भी प्रोसैस रहा मेरा इमीग्रेशन का सिक्योरिटी का एंड बोर्डिंग पास का। प्लाजा प्रीमियम लॉन्स ते मैं लॉन्च सेस कर रहा हाँ। तो सर एक थैंक यू सर। तो हम तुम देख सकते हैं अंदर ते मैं लॉन्च सेस कर लिया वा। छोटा जहा बनया हुआ ये लॉन्च। तो इतने हजे थोड़ा टाइम ही होया बने 3 महीने हो केंद्र बने। तो कॉफ़ी वगैरह हैगा, पानी वगैरह हैगा एंड कोल्ड ड्रिंक अनलिमिटेड ड्रिंक जिनी मर्जी तुम ले सकते हैं। वैज नॉन वैज बिरयानी वगैरह सी। तो दूजा जे मेन कोर्स वगैरह नहीं सी अजे इत्थे क्योंकि अजे थोड़ा टाइम ही कहिंदे होया सानू ओपन कीते नू। प्लाजा प्रीमियम लॉन्च इत्थे इस प्रायोरिटी पास दे नाल मेरा खाना पीना अनलिमिटेड फूड सब कुछ फ्री आ। जे तुसी इस कार्ड ते ही प्रोपर डिटेल से वीडियो जानना चाहते हैं कि किदा मैं इस कार्ड नू अप्लाई किया किदा बनाया किदा मैनू मिलिया, जे तुसी जानना चाहते हैं तो मैनू कमेंट करके दस सकते। मैं दस दौ मैं एक वक्री स्पैशल ये एक वक्री ये वीडियो बनाऊंगा कि यह कि मिलता वा ये की फायदे आ। इस कार्ड के मैं इतने लॉन्च सैस प्रॉपर अनलिमिटेड फूड फ्री आ। इंडिया के सारे ही एयरपोर्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड के जिन्हें भी एयरपोर्ट है इस कार्ड के राही मैं फ्री खा पी सकता वा। हूँ आप गल करते इमीग्रेशन की। इमीग्रेशन तो बहुत स्मूथ है, रश कोई नहीं, बहुत घट से थोड़े जने से बहुत जल्दी इमीग्रेशन हो गई। बट बोर्डिंग पास में काफ़ी टाइम लाता, पता नहीं वो क्यों इन्होंने इन्ना टाइम लाया मलिंडो वाले ने। बोर्डिंग पास लिए सानू 1.5 घंटा वेट करनी पई। उत्थे 15-20 जने से ज़्यादा रश भी नहीं, बट फिर भी सानू बहुत ज़्यादा वेट करनी पई, बहुत ज़्यादा स्लो सी। मेरी फ्लाइट है इतों 10:30 बजे फ्लाइट आ। गेट पास मैनू मिल गया, बोर्डिंग पास मिल गया वा। 7 गेट नंबर ते मेरी तुसी देख सकते हैं कि मेरा बोर्डिंग पास सारा कुछ वधिया वधिया हो गया। तो हुण खा के कुछ तो बाकी अगे तुहानू मैं दसूँगा। मलेशिया एयरपोर्ट पर पहुँच गया कुआलालंपुर। उत्थों जाके अगे दसूँगा तुहानू मैं जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा शेयर करूँगा तुहाडे सारयां नाल। फाइनली मलेशिया हूँ मैं एंटर हो गया। मेरी फ्लाइट लैंड हो गई मलेशिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुआलालंपुर सिटी। तो हूँ
इतने इस तो बाद इमीग्रेसन तो बाद जो जो प्रोसैस होगा सारा मैं तेरे शेयर करूँगा। तो मेरी सी विंडो एयरलाइन तो बहुत ही वधिया सी, सीट्स वगैरह वधिया सी, कंफर्टेबल सी। सब तो वधिया उन्होंने मैंने एक चीज़ बहुत वधिया लगी, उन्होंने लैंडिंग पायलट ने बहुत ही वधिया लैंडिंग कराई। ये हूँ आप मिलते हैं इमीग्रेसन तो बाद। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂੰਗਾ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक हो गया तो कुछ खाना भी है। खाण पीन तो बाद तुहानू एक चंगी तरह बैठ के तुहानू मैं प्रोपर डिटेल दसूँगा ट्रेन की टिकट किदां लई जो जो सारा प्रोसैस तुहानू मैं जाके दसूँगा होटल च। Kindly grab the handhold at all times. Station, Pasatsani. Next station, Masjid Jame. Interchange station to LRT Sri Patkaling line. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਜਮਾ ਖੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਹੋਟਲ ਮੇਰਾ। रूम मिल गया अपन ते रूम की की भी मिल गया ये होटल एंड रूम की की 9th फ्लोर ते रूम मिले मैनू ते रूम दा चलो तुहानू रूम टूर दिंदे आ। गाइस आ मेरा रूम नंबर 908 ते और छोटा जा रूम बट वधिया गद्दे भी वधिया क्लीन रूम दे विच ही इन्होंने वॉशबेसिन बनाया होया छोटा जा रूम आ बट वधिया वा। ये सामने फ्रिज आ यार वधिया लगा मैनू ड्रायर भी है ड्रायर नू चेक करदे आ चलदी आ चलदी आ। चलो ड्रायर मिल गई एंड फ्रिज भी हैगा ते यार अभी वधिया चेयर नाल कैबिन बने जिदा कि लेडीज मेकअप का समान रख सकते हैं एंड इत्थे मिरर च एक होर मिरर LCD भी लगी हुई है परफ्यूम मेरा अपना वा कैटल भी हैगी कॉफ़ी वगैरह बना के पी सकते हैं सब कुछ दिता उन्होंने ये कंप्लीमेंट्री आ डेली मिलेगा तो नाल वाटर दिया दो बोतल मिलूगियाँ तो एक कबर्ड बनया हुआ इतने तुम अपना समान रख सकते हैं। ऑलमोस्ट रूम गुड आ छोटा वा बट वधिया वा ठीक है थोड़े बजट च चार दिन दे 2500 रुपये का मैनू पिया वा ये दो परसन के 5000 रुपये का। सामने वॉशरूम वॉशरूम का भी तुम दिखा दें तो टावल मिलते शावर छोटा जा क्यूट जा चलो ये भी मिलता जी शैम्पू
सोप एंड शावर जेल। बहुत ज़्यादा थक हो गया सी ते मैं वीडियो बना नहीं सकिया ते हुण मैं होटल दे रूम च बैठा वा ते हुण मैं तुहानू दस दवां इमीग्रेशन दा उदों दस नहीं पाया मैं ते थोड़े थके भी होए सीगे ते भुख भी लगी सी इस करके थोड़ा जल्दी जल्दी च आ गया ते वीडियो भी नहीं बना सकिया ज़्यादा। इमीग्रेशन दा जदों मैं इमीग्रेशन ते पहुँचा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हुई इमीग्रेशन, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। जिदा जो पिछली बार मैं आया सी अज तो 4 साल पहला उदो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सवाल किए थे कितना टाइम वेस्ट किया, घंटा लगाता है 1.5 घंटा, बट इस बार उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं पूछा। मैं जो इमीग्रेशन ऑफिसर को गया उत्थे मैं उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, फिर मैं उन्होंने होटल बुकिंग देती, उन्होंने कहने तो पहले ही मैं उन्होंने होटल बुकिंग रिटर्न टिकट एंड वीज़ा तीनों चीज़ा दिखाती, तो उन्हें कुछ नहीं पूछा, उन्होंने जस्ट मेरे फिंगर कराए एंड पासपोर्ट से स्टैंप लाई तो मैनू भेजता। मतलब कि 2 तो 3 मिनट के मेरी इमीग्रेशन क्लीयर हो गई। तो उस बाद सिक्योरिटी की वारी आती है, सिक्योरिटी वेले भी उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, जस्ट बैग चेक किए एंड कहते जाओ। वो तो वार 5-7 मिनट के ही मैं इमीग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक करा के बाहर आ गया सी। उस तो बाद आता वा कि होटल किदा पहुँचना, तो मैं आना सी ट्रेन पर, तो ट्रेन उतों एयरपोर्ट तो आती है KL सेंटर, तो KL सेंटर की सब तो पहले KL सेंटर की टिकट ली, टिकट मैनू पई 55 रिंगड़ की, तो वो ट्रेन आती है KL सेंटर एंड KL सेंटर तो अगे लैनी पैंती है और MRT आती है जिथे मेरा होटल है उत्थे बिल्कुल नियर ही एक स्टेशन पैंदा वा, वो स्टेशन का नाम है मस्जिद जमेक। वो KL सेंटर तो MRT जी चलती है वो मैनू टिकट पई आ 2 रिंगड़ 20 सेंट की, तो मैं 57 रिंगड़ 20 सेंट च इत्थे पहुँच गया अपने होटल ते। मेरे होटल का नाम है अरेना स्टार। हुण इमीग्रेशन होगी, होटल पहुँच गया, ट्रेन भी होगी, तो फिर बार विच गल आंदी आ सिम दी, हुणे सिम लैके आया एंड खाना वगैरह भी खाया आ, भुख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई सी, ते सिम ये वाली सिम इहदे विच अनलिमिटेड इंटरनेट आ, अनलिमिटेड कॉलिंग आ मलेशिया च, ते 5 रिंगड़ एक्सट्रा मिलते आ, तुसीं इंडिया च वी कॉल कर सकदे आ 5 रिंगड़ च, तो मैनू ये सिम पई आ 22 रिंगड़ की। सो अगे गल करते हैं, बाकी गल मैं करूँगा बार विच, हुण थोड़ा टाइम रैसट कर लिए, टाइम भी 12 बज चुके आ, 12:30 हो चुके आ, तो हुण 2-3 घंटे रैसट कर लिए, फिर 3 बजे निकलांगे, 3-3:30 निकलांगे, थोड़ा लोकल वगैरह घूमांगे, ट्विन टावर जावांगे, उत्थे थोड़ा देखांगे। सो मैं तुहानू वीडियो दिखाऊंगा नैक्सट वीडियो, ये वीडियो आप इतने खत्म करते हैं, सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो। सो जिन्होंने इस चैनल सबसक्राइब किया उन्होंने दिल तो धन्यवाद मैं करता वा, थैंक यू ताडा बहुत बहुत, तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब किया। जो इस चैनल पर नवे आ तो प्लीज़ इस चैनल सबसक्राइब कर दो, शेयर कर दो, सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट वीडियो, बाय बाय।